हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग सब्जेक्ट मशीन डिजाइन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज से हम लोग वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मशीन डिजाइन। ठीक है, तो मशीन डिजाइन, यानी मशीनों का अभिकल्पन, तो अभिकल्पन के बारे में पढ़ेंगे, यानी मशीनों का डिजाइन हम करेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा कहना सही नहीं है, इसमें अब मशीनों के डिजाइन नहीं करते हैं, मशीनों का डिजाइन नहीं करते हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, हम बता रहे हैं एक्चुअली क्या करना है इसमें। आप डरेंगे नहीं इस सब्जेक्ट से, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, कि आपको अच्छे से एक चीज आना चाहिए, और वो चीज है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही, या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉल्यूट, जो आपका जो थर्ड सेमेस्टर का विषय था। क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, बीटीयूपी बोर्ड का सिलेबस, ठीक है ना, इसका हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे। और जो अदर बोर्ड्स के भी है, क्योंकि पिछली बार भी हम पढ़ाए थे, उसमें कुछ बच्चे थे जो कि राजस्थान बोर्ड के भी थे, हरियाणा बोर्ड के भी थे, जो हमसे कांटेक्ट किए थे, और बिहार बोर्ड के, तो वो भी पढ़े हुए थे कुछ उनमें, मतलब कुछ ये सब तो है, मतलब बीटीयूपी बोर्ड लगभग का लगभग है, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। तो वो हम जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ बीटीयूपी का ही पढ़ाएंगे, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, जो जो उनके सिलेबस में है वो चीजें तो वो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें चैप्टर्स क्या क्या है पहले, यानी कि सिलेबस क्या क्या है, फिर हम बताते हैं आपको क्या पढ़ना है इसमें, कैसे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मशीन डिजाइन याद रखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, मशीन डिजाइन। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ठीक है, तो इसमें पूरा परिचय कराया जाता है आपको मशीन डिजाइन से, और हम मशीन डिजाइन से परिचय आपको बस इसी में ही, हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही करा देंगे। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे उलझने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में आप उलझे ना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है आपके लिए यहाँ पे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखी जाएंगी, अलग ही सब कुछ पढ़ाया जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर है डिजाइन फेलियर्स, यानी डिजाइन में क्या क्या फेलियर्स होते हैं। ठीक है, और ये तो लगभग आप हर चैप्टर में जाएंगे, हर चैप्टर में पढ़ेंगे डिजाइन फेलियर, क्योंकि वो आपको आना चाहिए, तो शुरुआत में वही बताया जाएगा कि कैसे कोई कंपोनेंट का डिजाइन फेलियर होता है, कैसे फेल होता है, अदरवाइज आप कैसे डिजाइन करेंगे, क्योंकि उसी फेलियर को बचाना होता है, मतलब कोई भी मशीन कंपोनेंट होता है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मशीन आप समझ सकते हैं, मशीन जो है कोई भी, जैसे आईसी इंजन आपका समझ लीजिए, इंजन है, लेकिन हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें मशीन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आपका लेथ मशीन हो गया, आपका सेपर मशीन हो गया जो आप वर्कशॉप में देखते हैं, ड्रिलिंग मशीन हो गया, ठीक है, सबके सब मशीन से। तो डिजाइन फेलियर यानी कि अभिकल्पन, जो इसमें आप बेसिकली डिजाइन फेलियर का मतलब वही है, अभिकल्पन असफलता, आप हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पढ़ना आपको क्या क्या है, मतलब जो फेलियर थ्योरीज होती हैं वो पढ़ना है, और फेलियर थ्योरीज का आप जो इसमें पढ़ने वाले एक्चुअल में बहुत सारे फेलियर थ्योरी है, आप उसका इस्तेमाल उसमें से बस एक ही दो करने वाले हैं। ठीक है, आगे
इसमें आप करने वाले नहीं है, मतलब जो आप पढ़ेंगे और सारे चैप्टर्स उसमें से नहीं करने वाले। पहले मैं चैप्टर्स लिख देता हूँ फिर सबको बताता हूँ। तो डिजाइन फेलियर्स हो गए, तीसरा चैप्टर है डिजाइन ऑफ सॉफ्ट यानी सॉफ्ट का विकल्पन, फोर्थ है आपका डिजाइन ऑफ की, यानी कुंजी का विकल्पन, की भी आप कहते हैं, पांचवा है डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, हालांकि इसके जगह पे अभी एक चैप्टर होगा डिजाइन ऑफ कपलिंग, उसको ऊपर देना चाहिए लेकिन ये ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं। तो डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों का विकल्पन, जो मशीन्स में विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं उनका हम डिजाइन कैसे करते हैं, जैसे नकल ज्वाइंट हो गया, कटर ज्वाइंट हो गया, ठीक है, ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं, रिवेट ज्वाइंट हो गया, वेल्ड ज्वाइंट हो गया, सबके बारे में पढ़ेंगे। छठवां है डिजाइन ऑफ फ्लिंज कपलिंग, आपके मतलब सिलेबस में लिखा होगा, लेकिन केवल फ्लिंज कपलिंग थोड़ी पढ़ने वाले आप, और भी कई तरह के कपलिंग पढ़ने वाले हैं। तो डिजाइन ऑफ हम जो नाम देंगे वो डिजाइन ऑफ कपलिंग देंगे, क्या नाम देंगे, डिजाइन ऑफ कपलिंग। तो कपलिंग का विकल्पन हम देखेंगे, कपलिंग क्या होता है, दो शाफ्ट को जोड़ने का जो एक मीन्स होता है, एक तरीका होता है, माध्यम होता है, ठीक है, दो ट्रांसमिटिंग शाफ्ट होते हैं, ट्रांसमिट करने वाले, एक जगह से दूसरे जगह पावर ट्रांसमिट करते हैं, उनको जोड़ा जाता है कपलिंग्स के द्वारा, ठीक है ना। आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया डिजाइन ऑफ स्क्रू ज्वाइंट भी कहते हैं, डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू भी है, डिजाइन ऑफ स्क्रू ज्वाइंट आप कहिए जो आपके चैप्टर में। ठीक है, तो स्क्रू द्वारा जो जोड़े जाते हैं, फिर डिजाइन ऑफ स्क्रू भी आप कह सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सभी हमारे जो है चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, इंट्रोडक्शन में तुमने पहले बता ही दिया, डिजाइन फेलियर में बता ही दिया, फेलियर थ्योरी जो होती है पांच तरह की, ठीक है, और भी हो सकती हैं लेकिन पांच ही तरह को क्या हमको पढ़ना है, पांच तरह के डिजाइन फेलियर जो फेलियर थ्योरीज हैं उनको पढ़ना है, और कुछ लोड के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। तो हम यही कहेंगे आप जो है सबसे पहला काम आप ये करिए कि मशीन डिजाइन पढ़ने से पहले जो भी आप पहला काम यह है आपको क्या करना है, आप जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़े हैं, ठीक है ना, उसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए। उसमें अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन जो सिग्मा से स्ट्रेस हो गया, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, मतलब उसको डिनोट करें, स्ट्रेन ऑफ साइलेंस से आप किसी और से भी डिनोट करते होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, और इसमें स्ट्रेन में हर तरह का, जैसे कि टेंसाइल हो गया, कंप्रेसिव हो गया, सीयर स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर डिफॉर्मेशन भी, स्ट्रेन भी होता है जो टेंसाइल में जो होता है, कंप्रेसिव में क्या होता है, और फिर सीयर में कैसा स्ट्रेन होता है, ठीक है, ये सब आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का कोर्स नहीं है, लेकिन इसमें जो है पूरी तरह से बहुत अच्छे से ये यूज होने वाले, इस पूरे हर एक चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेस स्ट्रेन तो समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग एक चैप्टर होता होगा, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बेंडिंग का मतलब एक समझ होना चाहिए आपके अंदर, बेंडिंग का मतलब क्या है, जो बेंडिंग आप पढ़ते थे, बेंडिंग में एक बेंडिंग इक्वेशन होता था, बेंडिंग स्ट्रेस का,
सिग्मा बी यानी बेंडिंग स्ट्रेस या एफ आप पढ़ते थे एम वाई अपान आई, जहाँ एम बेंडिंग मोमेंट होता था, वाई जो होता था न्यूट्रल एक्सिस से दूरी होता था जहाँ पर ये बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं, और आई जो होता था मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग में। फिर टार्सन में पढ़ लीजिएगा टार्सनल शियर स्ट्रेस के बारे में, हालांकि बताएंगे लेकिन आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छे से पता रहेगा। जो भी यूज होने वाला उसको हम बताएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप पहले से एक बार इसका समझ आपकी, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं तो एक अच्छा समझ रहेगा। हम तो डायरेक्टली फार्मूला या फिर उसकी चीजें जो होती बताते रहेंगे, लेकिन जब आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे से एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो हम जीरो लेवल से तो यहाँ शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि हमको और भी चीजें अलग चीजें पढ़नी है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। टॉर्सन में टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो आप पढ़ते थे टाऊ, ठीक है ना, टाऊ के बारे में। ठीक है, टाऊ जो होता था टाऊ अपान आर पढ़ते थे, या फिर क्यू अपान आर करके पढ़ते थे, और टी बाई जे पढ़ते थे। एक इक्वेशन होता था ना टाऊ अपान आर और टी बाई जे करके पढ़ते थे, या फिर टाऊ के जगह आप क्यू अपान आर पढ़ते होंगे। तो ये जो इक्वेशन होता था शियर स्ट्रेस का बेंडिंग वाला, सिग्मा अपान वाई आप करके पढ़े होंगे, मतलब एफ अपान वाई इज इक्वल टू एम अपान आई करके पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें टार्सन में एक और इक्वेशन होता था, बताएंगे वो, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन बेंडिंग में और टार्सन में, क्योंकि बेंडिंग और टार्सन बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होने वाले हैं। बेंडिंग मोमेंट और टार्सनल मोमेंट और टार्सनल शियर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस ये सब आने चाहिए आपको। फोर्स, ठीक है, ये फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस आपको पता है प्रतिबल, स्ट्रेन मतलब विकृति, ठीक है ना, और बेंडिंग मतलब नमन प्रतिबल, और ये घुमाव घोड़ वाला प्रतिबल जिसको हम बोलते हैं आघूर्ण प्रतिबल भी कहते होंगे आप हिंदी में, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीजों को आप अच्छे से तैयार रखिएगा, तभी आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कौन कौन, तो देखिएगा ध्यान से, डिजाइन ऑफ शाफ्ट, डिजाइन ऑफ की और डिजाइन ऑफ कपलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों चैप्टर है। तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल, ठीक है ना, पिछले साल जो कि हम पढ़ाए भी थे, तो पिछले साल मतलब ऑनलाइन पढ़ाए थे, तो पिछले साल में जो क्वेश्चन इससे आए थे, इससे एक 6 नंबर का न्यूमेरिकल आया था। इससे क्या आया था, एक 6 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसमें मशीन डिजाइन में, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल आप करने के लिए रेडी रहिएगा। डिजाइन ऑफ की से एक ही क्वेश्चन में मतलब 10 नंबर का था, अथवा करके दिया था, एक डेरिवेशन पूछा था 10 नंबर का सीधे, और या फिर आप एक न्यूमेरिकल करिए वही 10 नंबर का, ठीक है। तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल में कोई एक करिए, लेकिन इसी डिजाइन ऑफ की चैप्टर से आया हुआ था 10 नंबर, और 10 नंबर का एक डेरिवेशन इससे आया हुआ था डिजाइन ऑफ कपलिंग। तो सोच के चलिए ये कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीनों के तीनों, ठीक है। बाकी भी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। डिजाइन ऑफ जॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, 3, 4, 5, 6, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। इससे भी बहुत सारे मतलब लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 10 से 15 नंबर के डिजाइन ऑफ जॉइंट से आए थे, ठीक है। और स्क्रू जॉइंट भी है, डिजाइन फेलियर भी, इंट्रोडक्शन भी है, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें आपको इंपॉर्टेंस क्या हो गया, देखिए इन तीनों में ये जो तीन हम बता रहे हैं, ये तीन जो यहाँ पर हमने लगाया, ये 3, 4 और 6, ये तीन हम एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये टार्क ट्रांसमिशन पर आधारित चैप्टर है, यानी जो भी कंपोनेंट होंगे उन पर क्या लग रहा होगा, टार्क लग रहा होगा, यानी कि घुमाऊ घूर्ण लग रहा होगा, उसके कारण टार्सनल शियर स्ट्रेस जो भी टाऊ बताए वो पैदा हो रहा होगा, उत्पन्न हो रहा होगा, उसी का जो है उसी के आधार पर हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम जान लेते हैं डिजाइन में हमको पढ़ना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है, हर चैप्टर में वही करेंगे। तो हर चैप्टर में आप करना क्या है, डिजाइन मतलब पूरे मशीन का डिजाइन नहीं करना है, हम बता रहे हैं क्या करना है आपको।
और ये आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि कोई भी आप चाहे थ्री एम मशीन पढ़ना पढ़ रहे हैं या फिर मशीन डिजाइन पढ़ रहे हैं, कोई भी लेक्चर शुरू कर रहे हैं उसको लास्ट तक देखिए, ठीक है, उसको लास्ट तक, कभी बीच में छोड़ के मत जाइए, मतलब बाद अगर छोड़ के भी जा रहे हैं तो आप उसको पूरा करिए, नहीं तो आप कंप्लीट नॉलेज नहीं लेने वाले हैं, कंप्लीट कोई भी कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली नहीं समझने वाले, फिर आपका अधूरा ही रह जाएगा। तो पेशेंस रखिए, सबसे पहली ये बात रहेगी मेरी गुजारिश आपसे कि मशीन थ्योरी ऑफ मशीन्स और मशीन डिजाइन को पढ़ते समय आप पेशेंस रखिए, ठीक है, क्योंकि बिना पेशेंस के ये सब्जेक्ट्स आपसे समझ में आने वाले नहीं है, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी टॉपिक को शुरू करें उसको अच्छे से पढ़िए, लास्ट तक खत्म करिए, ठीक है, आपको पूरी तरह से समझ आएंगे, न्यूमेरिकल भी आपको करना होगा, न्यूमेरिकल भी करेंगे, सब कुछ होगा, वो भी कराया जाएगा। तो सबसे इसमें मशीन डिजाइन में हमको करना क्या है, डिजाइन आप पूरे मशीन का नहीं करना है, ठीक है ना, हालांकि डिजाइन मशीन डिजाइन का मतलब ये होता है पूरे मशीन का डिजाइन करना, लेकिन आपको क्या करना है, वो डिजाइन आप मशीन एलिमेंट्स का करना है, डिजाइन आप मशीन एलिमेंट्स, यहां तक कि बीटेक में भी यही किया जाता है, मशीन एलिमेंट्स का डिजाइन करना। अब इससे क्या मतलब है, जो मशीन एलिमेंट्स यानी मशीन मतलब मशीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, आपको पता ही है, जैसे कि एक आईसी इंजन आप पढ़े होंगे तो आईसी इंजन में क्या होता है, एक पिस्टन होता है उस पर भी फोर्स लगता है, कनेक्टिंग रॉड होता है उस पर भी फोर्स लगता है, क्रैंक रहता है उस पर टार्क लगता है, ठीक है, तो वो फोर्स वो टार्क वो सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं, वो पिस्टन वो कनेक्टिंग रॉड वो क्रैंक उन सब फोर्सेज को या उन सब मोमेंट को टार्क को वो सहन कर पाता है कि नहीं, ठीक है ना, वो ऑपरेटिंग कंडीशन में कि टूट जाएगा फेल हो जाएगा ऐसा नहीं ना है, उसी आधार और मतलब उसी को आधार मानते हुए हम उसका मतलब डायमेंशन डिसाइड करते हैं, डायमेंशन का मतलब उसका लेंथ विड्थ या फिर डायमीटर सर्कुलर हेड डायमीटर या फिर लेंथ विड्थ हाइट, मतलब आप कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन आपको डिफाइन करना है या सेलेक्ट करना है, प्रॉपर क्रॉस सेक्शन का बनाना है, ठीक है, और उसका लेंथ कितना रहेगा वो भी प्रॉपर बनाना है, ठीक है, तो कुछ ऐसा करना है। तो मशीन डिजाइन के मशीन डिजाइन में हम लोग मशीन में जो जो एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं, कुछ खास खास सबके नहीं, जो ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका जो है स्टडी करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जो नॉर्मल हैं जो इजी वे में हैं उनका हम क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, यानी जैसे डायमीटर हो गया, लेंथ हो गया, अगर अगर क्रॉस सेक्शन में विड्थ और हाइट है, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई है तो चौड़ाई और ऊंचाई निकालना, यही सब करना, बस इतना काम करना है। उसके लिए हमको सबसे पहले आना चाहिए फोर्स कैलकुलेशन, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि वो मशीन एलिमेंट किस पर्पज के लिए यूज किया गया है, उस मशीन एलिमेंट का पर्पज क्या है ये देखना, ठीक है ना, यानी कि वो टेंसाइल फोर्स सहन करने वाला कि कंप्रेसिव फोर्स सहन करने वाला, टार्क सहन करने वाला, क्या करने वाला, तो उस पर्पज को जैसे ही आप जान लेंगे आपको पता चल जाएगा कि उस पर फोर्सेज क्या लगने वाले हैं, यानी उसके बाद पहला चीज पर्पज जानेंगे, उसके बाद फोर्स देखेंगे कौन कौन से बल लग रहे हैं उस पर, ठीक है। लैंग्वेज हमारा जो होगा मिक्स लैंग्वेज रहेगा, ये हम थ्योरी ऑफ मशीन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ बताएं कैसे हमारा लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, कैसे हमको पढ़ना, आप एग्जाम में भी कैसे लिखेंगे, ये सब आपको उसमें बता दिए, ठीक है। तो पर्पज हमारा क्या रहेगा, फोर्सेज जो है हम क्या फोर्सेज पहले, फिर उसके बाद जैसे पर्पज हमको पता चल जाएगा, पता चलेगा कि उस पर बल क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक है, उद्देश्य हमको पता चल गया तो बल पता चल गए, मतलब कैसे कैसे बल लगेंगे। अब बल होने के बाद आप किसी मटेरियल का बनाएंगे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का मटेरियल आपको चूज करना है, कंपोनेंट का मटेरियल आप चूज करिए, ठीक है, यानी किस मटेरियल का यूज करना चाहते हैं, अभी एक एक न्यूमेरिकल लेके भी इसको समझा दे रहे हैं, कंपोनेंट का मटेरियल क्या होगा, ठीक है। अब उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना होता है, ठीक है, और कोई अब उसके बाद वो मटेरियल जो होता है, मतलब वो कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, डक्टाइल ले रहे हैं, मतलब तन्य ले रहे हैं, ब्रिटल ले रहे हैं यानी भंगुर ले रहे हैं, कैसा मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, उस
मतलब वो बताता है कि कैसे कोई मटेरियल फेल होता है, मतलब तनने वाला अलग तरीके से फेल होता है, भंगुर वाला अलग तरीके से फेल होता है, ठीक है। तो उस फेलियर को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, इस फोर्स और उस फेलियर के आधार पे क्या निकालेंगे, आप डायमेंशन निकालेंगे। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, उसका डायमेंशन, और वही डायमेंशन हमारा अप्लीकेबल होगा, मतलब वो जो होगा, यानी कि जब मैं आप जब डायमेंशन निकाल लेंगे तो बता देंगे इतना मोटा रहेगा या फिर इतना डायमीटर का रहेगा, इतने लेंथ का रहेगा, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दे देंगे, वो मैन्युफैक्चर करके बना देंगे उतने डायमेंशन का, ठीक है। हालांकि इतना ईजी भी नहीं होता, इसके बाद भी और भी मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, लेकिन हमको बस यहीं तक समझना, यहीं तक करना, ठीक है। तो यहाँ तक तो डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हमको कोई मशीन है, उसमें टेंसाइल फोर्स किसी कंपोनेंट पर लगने वाला है, ठीक है। मान लीजिए तनाव बल किसी मशीन कंपोनेंट है, कोई मशीन कंपोनेंट है, उस पर तनाव बल लगने वाला है। मान लीजिए मशीन कंपोनेंट है, इस पर तनाव बल लगने वाला है, यानी टेंसाइल फोर्स लगने वाला है P, जिसका मान है मान लीजिए 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अगर 10 किलो न्यूटन इस पर बल लगने वाला है, ठीक, तो ये मान लीजिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होने वाला है। कैसा क्रॉस सेक्शन का होने वाला है, सर्कुलर, ठीक है। जो कंपोनेंट हमारा रहेगा वो सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डायमीटर हमको निकालना है। तो अब सबसे जरूरी चीज है कि आप चूज कौन सा मटेरियल करेंगे, यानी जो आपके लिए सुविधाजनक है, तो मटेरियल चूज करते हैं जो सस्ता पड़ेगा आपको। मान लीजिए आप जो है एक स्टील चूज करते हैं, स्टील मटेरियल चूज करते हैं, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो सिग्मा वाई बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, या आप बस चलिए कि सिग्मा है, जो ये इसका बता रहा है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, इस मटेरियल का वो कितना है, मान लीजिए 400 है, ठीक है ना, 400 है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर अभी इसको रहने दीजिए, ये ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, आगे जो पढ़ेंगे तब। नहीं, लेना तो पड़ेगा आपको, चलिए ले लेते हैं सिग्मा जो है इसका जो है 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का इसका स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि देखिए जो इसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा, यानी कि जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, यहाँ तक कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी डिफाइन किया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या कर दिया जाता है, इसको दो गुना या तीन गुना कम कर दिया जाता है, मतलब 2x 1/2 कर दिया जाता है, 1/3 1/4 कम भी कर दिया जाता है, ताकि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक मतलब सेफ्टी कंसिडरेशन के लिए, जो आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो करेंगे, हम बताएंगे, अभी के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं मानते। तो इसका जो ये जो मटेरियल हम ले रहे हैं वो 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वाला है, ठीक है ना। तो इस पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होने वाला है, यानी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम लेंगे कि सिग्मा जो होता है, यानी इसमें जो स्ट्रेस पैदा जो होगा, उत्पन्न जो होगा, वो जो मतलब इंड्यूस जो होने वाला, मतलब सिग्मा आई लिख रहे हैं मान लीजिए, तो पी बाई ए होगा, आपने पढ़ा है, ठीक है ना, पी बाई ए यानी जो लगने वाला बल है अपान ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये जो होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्मा आई जो होना चाहिए उत्पन्न होने वाला, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम ही होना चाहिए, यानी मान लीजिए इसके बराबर ही पर हम लेते हैं, तो सिग्मा आई यानी 400 ले लीजिए, इसके आधार पर निकाल लीजिए, तो ये 10 किलो न्यूटन का है, तो 10,000 हो जाएगा, और बटे ए हो गया, यानी यहां से निकल गया ए, ठीक है ना, 400 से भाग चला जाएगा इधर, 10 × 1000 / 400, और यहाँ से हो गया, अब 100/4 यानी 25 हो गया, तो ए हो गया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना होना चाहिए, 25 mm² का होना चाहिए, कितने mm है, क्योंकि यहाँ पे जो ये यूनिट यूज कर रहे हैं न्यूटन पर mm² कर रहे हैं, तो 25 mm² का होना चाहिए। अगर आप इसका डायमीटर निकालना चाहते हैं, π/4d² करके निकाल सकते हैं,
तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका डायमीटर कितना हम रखेंगे तो हमारा सेफ रहेगा, ठीक है ना, कि इससे ज्यादा स्ट्रेस इसमें उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मतलब जिस मटेरियल का उसे अगर इससे ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएगा मटेरियल, ये क्या हो जाएगा, ये यील्ड करने लगेगा या फिर टूटने लगेगा या फिर फैलने लगेगा, इसका डायमेंशन चेंज होने लगेगा, ठीक है। ये सब बातें हम आगे करेंगे, ठीक है, जब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और हम ये कहेंगे कि थ्योरी ऑफ मशीन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें नोट्स के बारे में, ठीक है, और कैसे पढ़ना है इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, थैंक यू सो मच।